आज मैं आपको इस प्रकार की जो मिनी मोटर है जो कि मिनी हाई स्पीड टेबल फैन के अंदर या फिर मिनी कूलर के अंदर आता है तो यहाँ पे इसका मैं आपको एल्यूमिनियम के साथ कंपनी वाइंडिंग डेटा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो मोटर है वो यहाँ पे हाई स्पीड टेबल फैन के अंदर और मिनी जो कूलर होता है उसके अंदर यूज़ की जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो मोटर है इसके स्टेट की साइज लगभग 25 mm है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप इसकी वाइंडिंग एल्यूमिनियम तार के साथ करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि इसके जो स्लॉट है इसकी लंबाई लगभग 25 mm है जो कि आपके सामने है। और यहाँ पे जब इसकी वाइंडिंग करते हैं तो टोटल यहाँ पे लंबी वाली 4 कॉइल बनती है जिसको आप लस्सी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जब आप इसकी रनिंग कॉइल की वाइंडिंग करते हैं तो यहाँ पे 2 सेट रनिंग के अंदर बनते हैं और 2 स्टार्टिंग के अंदर बनते हैं। और रनिंग के अंदर यहाँ पे जब आप इसकी कॉइल बनाएं तो यहाँ पे 32 नंबर एल्यूमिनियम तार से आपको 268 रन लेने हैं। और यहाँ पे फिर आपको लस्सी बना के 1 से 8, 10 और 12 के अंदर आपको बैठाना है। अब इसके बाद जब आप इसकी स्टार्टिंग कॉइल बनाते हैं तो यहाँ पे 33 नंबर एल्यूमिनियम तार से आपको 260 रन लेने हैं। और इसके बाद आपने जो लस्सी बनाई है उसको 1 से 8, 10 और 12 के अंदर बैठाना है। और यहाँ पे इसके अंदर जो कैपेसिटर लगता है वो लगता है 2.5 का जो कि इसकी कंपनी वाइंडिंग है और कंपनी गेज है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।